कैपेसिटर है इसमें इसका जो वन थर्ड जो है ना वन थर्ड पोर्शन डायगेनेटिक स्लैब दिया है, मतलब वन थर्ड पोर्शन यहां से आता वन थर्ड है, तो वन थर्ड पोर्शन में स्लैब रखा है जिसका डायगेनेटिक पोर्शन के है ओके, और डिस्टेंस तो सेम ही है, इतना पोर्शन में इसी में क्यू वन चार्ज है और इसमें क्यू टू चार्ज है ओके ठीक है, इसका फील्ड वी वन है इसका फील्ड वी टू है, चलो कैपेसिटर की जो पैरल प्लेट्स है ना उसके वन थर्ड में डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, यहां से आता डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ओके। तो अभी नेक्स्ट जो वाला पार्ट है तो इधर पे तो जो इसका जो डिस्टेंस है दैट लिमिट है, उसके बाद उसमें से कुछ ऑप्शन दिया है कि हम लोग को फाइंड करना है, ये ऑप्शन जो है दैट इज ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू वन, बी ऑप्शन जो है ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू वन अपॉन के, और सी इक्वल्स टू ई वन अपॉन क्यू टू इक्वल्स टू थ्री अपॉन के, और जो डी ऑप्शन है वो दिया है कि सी अपॉन सी वन इक्वल्स टू टू प्लस के अपॉन टू, यहाँ पे कॉमन चीज और है दैट इज सी, सी जो है इसका नेट कैपेसिटेंस जो है टोटल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इक्वल टू सी ओके, ये भी दे दिया टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू सी, इसकी जब आंसर्स करेंगे तो देखो कि ए वाला पॉजिटिव प्लेट होगा तो ए वाला भी पॉजिटिव प्लेट होगा, ए वाला नेगेटिव होगा तो ए वाला भी नेगेटिव होगा, तो बोथ आर कनेक्टेड, मतलब इसी टाइप का कंडीशन है। तो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल ओके, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में है इसमें क्या होगा सी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, पहली बात तो ये हो गया सी इक्वल्स टू सी वन प्लस, नेक्स्ट जो है सी वन जो है वो कितना होगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री अपॉन डी, ये बात क्लियर है बिकॉज इतना एरिया है ए बाई डी पर, और सी टू जो है वो कितना होगा ये तो नहीं होगा इस जगह पे एप्सिलॉन नॉट होगा टू बाई थ्री डी टू बाई थ्री अपॉन डी, बिकॉज इसमें कोई डायरेक्टिव स्लैब नहीं है दैट मीन्स एक क्लियर वाला पार्ट है, यहाँ को गए एप्सिलॉन नॉट यहाँ में डायरेक्ट कॉन्सेंट के तो के टाइम्स हो जाता है ओके, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री अपॉन डी दिस वन इज एप्सिलॉन नॉट टू बाई थ्री ए अपॉन डी, तो इससे का भी डी थ्री इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू, तो हम लोग देखते हैं सी इक्वल्स टू सी वन जो है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो कम होने जाएंगे, तो इससे का भी लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू टू बाई थ्री ए अपॉन डी ओके, टू बाई थ्री कहां से आया बिकॉज टोटल तुम्हारा वन था तो वन बाई थ्री चला गया तो बाकी कितना बचेगा टू बाई थ्री, इस जगह पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ए भी कॉमन है डी भी कॉमन है ना, इसे कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ये जो है तुम्हारा के वाई थ्री और ये वाला कितना होगा टू बाई थ्री इधर रहेगा, तो एप्सिलॉन ए वाई डी और इसमें थ्री के प्लस टू ओके ए प्लस टू, अरे सी अपॉन सी वन फाइन करने बोला फाइन नहीं बोला मतलब ये सारे ऑप्शन को चेक करना पहले सी से ले लिया ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी ए प्लस टू अपॉन थ्री और सी वन जो है
यहाँ पे था, ओके ये कितना था एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू दैट वाज ए बाई थ्री, ओके तो ये वाला काट जाएगा तो सी अपॉन सी वन इक्वल्स टू के प्लस टू, ये थ्री थ्री भी कैंसिल होगा नीचे लेंगे टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है सही है, बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे, बाकी ऑप्शन जो है तो सी अपन सी वन इक्वल्स टू टू प्लस के अपन के होगा। तो अभी क्यू वन अपन क्यू टू देख लेते कितना होता है, ओके तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी वी। अभी ध्यान रखिएगा दोनों कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम है बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है उसका पोटेंशियल सेम होता है। तो क्यू इक्वल टू के सी वी, तो क्यू वन इक्वल्स टू सी वन भी, सी वन के वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे मिला है वो कितना है के एप्सिलॉन ए अपॉन थ्री डी इंटू बी, ओके दैट इज क्यू वन। और क्यू टू जो है क्यू वन क्यू टू का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है तो क्यू टू जो है क्यू टू इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा सी टू इंटू बी, सी टू जो है एप्सिलॉन ए इंटू टू अपॉन थ्री डी ओके इंटू बी। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू हम लोग जब फाइंड करेंगे तो नेचुरली कितना आएगा, ये तो थ्री डी काट देंगे, वी भी काट देंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन काट देंगे, ए भी काट देंगे और उस जगह पे हम लोग आएगा के ऊपर में बचेगा के नीचे बचेगा टू, तो के वाई। तो लेकिन यहाँ पे दिया जो क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल्स टू थ्री बाई थ्री जो पॉसिबल नहीं है, ये वाला पता चल ना क्यू इक्वल टू सी वी, तो क्यू एन इक्वल टू सी वन जी, सी वन की जगह इसे पुट कर दिया, सी टू की जगह पे इसे पुट कर दिया, ये क्यू वन अपॉन क्यू टू निकाला तो कितना आया के बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ये वाला था सी इज इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ई वन इंटू वाला केस चेक करते हैं, हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर होता है, ओके तो इक्वल्स टू वी अपॉन डी यहां से आ जाएगा वी अपॉन डी। तो अभी इस केस में ई वन इक्वल्स टू वी अपॉन डी, ई टू इक्वल्स टू वी वी अपॉन डी, देयरफॉर ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू वन, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके और ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ओके समझ में आ जा रहा है। तो हम लोग का देखें कि ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी ये दोनों करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट। ये बोला आईआईटी एडवांस 2014 में है, तो इसमें क्या कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला है, ओके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला है। तो हम लोग को देख रहे कि इसका फील्ड सेम होगा, फील्ड इसीलिए सेम होगा बिकॉज इसका डिस्टेंस भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है, और जो तुम्हारे चार्ज के जो रेशियोज होगा ये दिया है, और इस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना बिकॉज ये वाला सी, ए वाला सी वन है और बोथ इन पैरेलल।